चलिए आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। इसको बोलते हैं डिस्को पापर। देखिए ये जो मशीन है इसमें से शीट बनता है। अभी ये आटा आपको बिल्कुल सूखा सूखा लगेगा, मगर ये मशीन के अंदर जो वर्म है उससे प्रेसिंग होगा, इससे एकदम आटा की शीट बन जाएगी। ठीक से ये शीट बनाने के बाद ये मशीन के अंदर जितनी मशीन की चौड़ाई है उसका रोलर की, इतनी चौड़ाई में शीट काट के इसके अंदर डाल के ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा तेल लगा के फिर ये पापड़ बनता है छोटे वाले, इसको हम डिस्को पापड़ बोलते हैं। पहले हमने जैक्सन का छोटा मशीन यूज करते थे, अब हमने जैक्सन का ये बड़ा मशीन लिया था। इसमें पिच कंट्रोल है और बढ़िया काम करता है ये मशीन। ये मशीन में आप जितना गेज इसका जो महीम या ज्यादा मोटा करना चाहो इतना आसानी से हो सकता है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो इतना जो मोटा पतला आप कर सकते हैं, इससे बढ़िया पापड़ बनेगा। चीज जो डाली है उसमें से ये बेल के बाहर जो निकलता है उसमें छोटे वाले पापड़ कट होके निकलते हैं। ये हम पंखे की हवा में पहले घर में सुखाते हैं, फिर थोड़ा सूख जाने के बाद बाहर धूप में सुखाते हैं, फिर उसका पैक कर देते हैं। तो इसमें हम दो ही आदमी काम करते हैं, इसमें ज्यादा लोग की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा का ऑटोमेटिक मशीन है, सारा काम मशीन कर लेता है। इसको बोलते हैं डिस्को पापड़। देखिए ये मशीन हम करीबन पौना दो साल से चला रहे हैं, अभी तक ये मशीन में कोई दिक्कत आ नहीं, मशीन बहुत बढ़िया है, इस पर कोई मेंटेनेंस आता नहीं है अभी तक। ये स्पीड कंट्रोल की वजह से ये मशीन दिखता बड़ा है मगर इतना इसका बिल आता नहीं है, ये दो पंखे जितना ही बिल आता है इसका। ये सर चावल का पापड़ बनता है क्या? हाँ चावल का बनता है, चावल का बनाया, कल ही बनाया, वो भी बनाना है, वो छोटा मशीन में बनाते हैं, वो दो मशीन अलग अलग रखा है, तो बात उसमें थोड़ा मोटा होता है इससे। इसमें तो ये मशीन में तो चोरा फड़ी बनता है, मटिया बनता है, जो भी बेलन से बेल सकते हैं वो सभी आइटम होता है।